नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये जो आप मीटर देख रहे हैं ये है Z650 जो कि कावासाकी की बाइक है, और इसका आप देख सकते हैं डिस्प्ले में बीच में आपको एक गोल सर्कल जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये मीटर मेरे पास पहली बार आया है, तो सबसे पहले तो मैं इसका जो कनेक्शन पिन आउट है पहले वो अच्छे से चेक करूँगा कि कौन कौन से पिन पर मुझे इसमें सप्लाई देना है, और उसके बाद मैं इसको सप्लाई देकर इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको कि ये फ़िलहाल किस कंडीशन में है। ये मीटर मेरे पास गोवा से आया है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये पहले तो मुझे लगा चिपका हुआ है, बट थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो एकदम से ही खुल के सामने आ गया। तो देख सकते हैं ये इसका डिस्प्ले है बीच में, और इसमें स्क्वायर टाइप का डिस्प्ले है और रिबन से फिटेड हुआ हुआ है, और डिस्प्ले का रिबन बिल्कुल मुझे ठीक दिख रहा है इसका, तो इसको मैंने वापस फिट कर दिया। और अभी मैं इसके जो कनेक्शंस हैं पावर इनपुट के वो चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें ग्राउंड ढूंढना होता है, तो ग्राउंड ढूंढ लिया हमने, और अब उसके बाद पता लगाना है हमें पॉजिटिव का। ये हमें इसका पॉजिटिव कनेक्शन भी मिल गया है, बट ये जो मीटर है ये डबल पॉजिटिव से चलेगा, तो एक इसमें दूसरा पॉजिटिव भी ढूंढ के लगाना है हमें। चलिए, थोड़ा उसमें टाइम लगा तो मैंने वो वीडियो में स्किप किया, और ये मैंने इसका दूसरा पॉजिटिव जो है वो ढूंढ के और इसमें आपको अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें मीटर ये पीछे पीछे कम्प्लीटली वर्किंग है, बट डिस्प्ले में ये बड़ा धब्बा आने की वजह से इधर से इसकी विजिबिलिटी पूरी तरीके से जा चुकी है। तो अब हम इस डिस्प्ले को पूरे तरीके से विजिबल करेंगे। उसके लिए हमें इसका डिस्प्ले बोर्ड से अलग करना होगा, बॉन्ड बॉडी से निकालना होगा, तो प्रोसेस देखते रहिए। सबसे पहले हमने इसके लॉक खोले हैं, और मैं सच में रिकमेंड करना चाहूँगा आप सबको कि इस तरह की चीज़ें ना करें। करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसका डिस्प्ले वगैरह कुछ टूट जाता है तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और आपको सीधा सीधा नया मीटर ही लेना पड़ेगा, जो इसकी कीमत जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी ये Z650 का है, तो कम से कम भी 25-30 हज़ार के आसपास का शायद ये मीटर होना चाहिए, क्योंकि इस बाइक की कीमत 8 लाख रुपये है। नई बाइक लगभग 8 लाख प्लस में आती है ये, तो मीटर इसका 25-30 हज़ार का होना, मतलब मिनिमम 25-30 हज़ार का होगा, ऐसा कुछ 40-50 के आसपास का हो, बट मिनिमम 25-30 के नीचे तो नहीं होगा। तो पीछे वाली शीट आप देख सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसके लिए स्पेशल शीट रहती है, मैं इस पर वही यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसकी जो पुरानी शीट है उसको निकाल दिया है। अब इस ग्लास को अच्छे से हम पूरा क्लीन करेंगे। क्लीनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा स्किप किया, थोड़ा स्पीड में निकाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बोर हों। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अभी हम इसके ऊपर शीट डालेंगे, वही स्पेशल शीट जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली होता ये पोलराइजर ही है, बट हर किसी की डिग्री अलग होती है। अगर आप एक्यूरेट डिग्री वाली पोलराइजर डिस्प्ले पे यूज़ नहीं करेंगे तो वो उतना प्रॉपर आपको फाइन लुक नहीं दे पाएगी। तो ये इतनी महंगी बाइक है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल स्पेसिफिक जो इसके लिए परफेक्ट होगी हम वही यूज़ करेंगे। और ये हमारी इसकी जो शीट है वो इसके ऊपर लग गई है, और हमने इसको इतने सफाई से लगाया कि कोई भी बबल्स बीच में नहीं आया है। तो एक बार इसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद जब ये क्लियर हमारा चलता हुआ हमें दिख जाएगा, उसके बाद हम इसकी
जो अभी हमने शीट लगाई है उसकी प्रोटेक्शन लेयर उतार देंगे। तो ये देख सकते हैं अभी डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे से ग्लो हो रहा है इसका, लाइट की वजह से शायद आपको अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो। तो मैं अभी इसके फ्रेम वगैरह लगा के और आपको फिर दोबारा से इसको चला के दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं उल्टा लगा रहा हूँ, मुझे बाद में समझ में आया ये ऐसे लगने वाला है। उसको प्रॉपर तरीके से लगाने के लिए इसकी बोन बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा, बट फिलहाल मैं इसको ऐसे ही एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लुक आ गया है इसमें, और मेरा रिपेयर किया हुआ डिस्प्ले 5-6 साल कम से कम ख़राब नहीं होता है। कुछ डिस्प्ले ऐसे भी हैं, एक्चुअली मैंने ये काम 2014 में स्टार्ट किया था, तो कुछ डिस्प्ले ऐसे भी हैं जो मैंने 14-15 के आसपास में करके दिए थे जो अभी तक भी सही चल रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास कोई मीटर रिटर्न नहीं आया कि डिस्प्ले मैंने इसका रिपेयर किया और अब तक ख़राब हो गया हो। तो ये मीटर हमने अच्छे से अभी फिट कर दिया है इसका। मैं इसमें आपको RPM स्पीड वगैरह सब कुछ टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए RPM और स्पीड दोनों के कनेक्शन डाले हुए मैंने इसमें, और ये हाई RPM पे कुछ इस तरीके से दिखाता है, और स्पीड और RPM बिल्कुल परफेक्टली शो कर रहे हैं इसमें। ये डे लाइट का व्यू है, नाइट टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। तो अभी बारी आ जाती है इसकी पैकिंग की। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन अगर ऑन करके रखेंगे तो मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप इजीली मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे और मेरे वीडियोस चेक कर पाएंगे। तो ये इसकी फाइनल टेस्टिंग है, तो देख सकते हैं, और लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत में कहीं से भी है कुरियर द्वारा मीटर भेज कर रिपेयर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। नमस्कार।